थोड़े ही समय हुआ था, अष्टाक्षरी मंत्र की जैसे ही उसने आराधना शुरू की, और वैसे ही अष्टाक्षरी सर्व कामान्यदा नाम की विद्या दशानन के सामने आकर खड़ी हो गई, और उसने दशानन को नमस्कार करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, आपने किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया है, कृपया मुझे अपना प्रयोजन बताकर कृतार्थ कीजिए। पर दशानन ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, अभी मैं केवल आपका आह्वान करता हूँ, मुझे अभी किसी कार्य की आपसे कोई सिद्धि नहीं है, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर मैं आपका आह्वान करूँगा तो आप मुझे सहयोग प्रदान करेंगी। तथास्तु कहते हुए और उस विद्या ने गमन किया। साथ ही यह कि जब तक आपकी साधना चलेगी, जब तक आपकी मंत्राराधना चलेगी, तब तक सारे आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि उसका नाम कामान्यदा था, सभी कामित इच्छाओं की पूर्ति करना, वह विद्या क्या करती थी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, उनको पूर्ण कर देती थी। तो सार भैया कर लो एकादशी विद्या, तुम भी सिद्ध, सारे काम बन जाएंगे, फिर बैरिंग मेरिंग नहीं घुमाना पड़ेंगे तुम्हें। सहज ही सब प्राप्त होगा। ऐसी वह सर्व कामदा कामन्दा नाम की विद्या उनको तथास्तु कहकर और गमन कर गई। अब उनको सारी व्यवस्थाएं, जो भी शरीर के अनुकूल आवश्यकताएं थीं, वो सहज ही उस विद्या के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाया करती थीं। इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई विकल्प, कोई चिंता नहीं थी। उस विद्या को प्राप्त करके संतोष को धारण नहीं करते हुए जो पिपासु लोग होते हैं, वो अल्प उपलब्धि में संतोष नहीं प्राप्त करते हैं। एक सूत्र है सावला जी, एक सूत्र है, जिसको बड़ी वस्तु की आकांक्षा है उसको छोटी मोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिनको बड़ी आकांक्षाएं हैं, इनको छोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी उपलब्धियां जीव को संतुष्ट कर देती हैं और फिर वह बड़ी उपलब्धियों से वंचित रह जाता है। नीति है, इसलिए संसार की नीति है, स्यात् मोक्ष की भी यही नीति है। घंटे भर सामायिक कर ली, दो चार मालाएं फेर ली, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा सुना दिया, हे मुनिराज इसमें संतुष्ट हो गए तो मोक्ष नहीं मिल पाएगा। 6-8-10 भगत बन गए, उनने जय जयकारे कर दिए, अभी चल रही ना छिपी टोला में, हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही, जय जय हो रही। इन छोटी मोटी उपलब्धियों में जिनका लक्ष्य बड़ा होता है उनको नहीं जाना चाहिए, नीति कहती है। जिनका लक्ष्य बड़ा होता है उन्हें छोटी उपलब्धियों को ग्रहण करते हुए अपने लक्ष्य पे, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, हमेशा दृष्टि रखना चाहिए। ये छोटी मोटी उपलब्धियां हैं, ये 10-20-25 भक्त मिल जाना, भक्तनियां मिल जाना, थोड़ा मान सम्मान मिल जाना, थोड़ा यश प्राप्त हो जाना। अब ये भी महाराज तीनों का यश चल रहा है यहाँ पर, इतनी बड़ी सभा बैठी हुई है, कथा सुन रही है, यश है, ये भी यश है। लेकिन मुनिराज इसमें फूल है ना, ये सब टेम्परेरी है। मुनिराजों को इस बात का निर्णय होना चाहिए, ये त्रैकालिक नहीं है, ये तात्कालिक है। कथा चल रही है, कथा चल रही है, ये उसका आनंद है, उसके लिए लोग जुड़े हुए हैं। अभी कथा जैसे ही समाप्त होगी ये भीड़ सब चली जाएगी, सही है कि नहीं? इसलिए मुनिराजों से कहा, हे मुनिराज इस भीड़ को देख करके फूलना मत, इस भीड़ को सत्य मत मान बैठना, समय पा करके भीड़ चली जाती है, आप अकेले मिलोगे, अकेले मिलोगे। इसलिए अपना एकत्व विभक्त जो अकेले ही है, इसलिए एकत्व विभक्त, सुन रहे हो प्रदीप जी, ये मंडली टंडली, ये आगे पीछे सु घूमने वाले
मंत्री जी, संतरी जी, कैशियर, ये सब साथी नहीं हैं, ये टेम्परेरी हैं सब। सब समय बदल जाएगा, व्यक्ति बदल जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे। मैं मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, मैं मेरे साथ सदा सदा रहेगा। इसलिए उस मैं को कभी मत छोड़ना भीड़ के लिए। और जो भीड़ देख करके उस मैं को छोड़ देते हैं, वे मैं से भी जाते हैं और भीड़ से भी जाते हैं। मैं मतलब निजात्म द्रव्य, निजात्मानुभूति, पर के चक्कर में, पर के संयोग में, हे मुनिराज, इस आत्मानुभूति आपको नहीं सुना रहे हैं, साक्षी सागर को सुना रहे हैं कि हे मुनिराज, एक बार आचार्य जी ने, आचार्य जी के एक एक शब्द अनमोल है, सूत्र है आपके जीवन के उत्थान करने के लिए। एक छोटी सी बात आपके पूरे जीवन के उत्थान के लिए बहुत बड़ा सूत्र है। पहली बार जब हमारा दीक्षा दिवस आया औरंगाबाद में, तो हमने आचार्य जी को बोला, गुरुदेव, आज के दिन हमने इस जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त किया था, आज के दिन हमने बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े महात्मा, साधु महात्मा होकर चले गए, ऐसे जिन्होंने उस पद को धारण किया था, हमें सौभाग्य उस पद को धारण करने का सौभाग्य हुआ है और आपके कर कमलों से हुआ है। आज हमने अपनी साधना के एक साल पूर्ण किए हैं, ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसे आशीष वचन कर हमारे कानों को पवित्र कीजिए कि हमारा ये मोक्ष मार्ग निरंतर वृद्धिंगत होता रहे। तो गुरुदेव ने क्या कहा, कम शब्दों में सार की बात कहते हैं, एक चेक फाड़ते हैं, उसमें अमाउंट डला होता है 1 करोड़। अरे पैसे वैसे की बात नहीं कर रहे, उत्कृष्टता बता रहे हैं, एक छोटे से कागज में झोला भर जाता है, एक छोटे से कागज में थैला भर जाता है, उसमें लिखा होता है 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ चेक अंदर जाता है, थैला भर के इतना बड़ा बाहर आता है। ऐसे ही सूत्र सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन गहन तत्व का उपदेश उनके अंदर भरा होता है। आचार्य ने सूत्र दिया, मित्र जो दिया है, जो प्राप्त किया है, वह अनमोल है, उसे संभाल के रखना, उसकी रक्षा करना। मैंने भी अपने जीवन में गांठ बांध ली उसी दिन, गुरुदेव की वाणी, गुरु मुख से निकला हुआ सूत्र अचूक होता है और गुरु की आज्ञा में जो जीता है, गुरु के अनुसार जो जीव चलता है, वह जीव नियम से उत्थान को प्राप्त होता है। और जो जीव गुरु की आज्ञा भंग करता है, उनका पतन निश्चित होता है। अब क्या करूं साहूला जी, कुछ कुछ याद आ जाता है मुझे, पतंग तभी तक उड़ती नजर आती है जब तक डोर पतंगबाज के हाथ में होती है, और पतंगबाज ने डोर छोड़ दी, अब वो पतंग थोड़ी देर में कहीं झाड़ी में पड़ी मिलती है, फटी फटाई मिलती है। ऐसे ही उत्थान शिष्य का तभी होता है, उसकी डोर को जब तक गुरु अपने हाथ में थामे हुए होते हैं। हम थोड़ी यहां पे आए थे, ये सब हमें थोड़ी मिला है, जो सेवा हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये हमें थोड़ी मिला है, ये गुरु की आज्ञा को मिला है। गुरु की अनुकंपा है, उन्होंने हमें इस योग्य समझा और यहां पहुंचाया, और भी साधु से संग में, पर इस योग्य समझ करके उन्होंने आपके बीच में हमें पहुंचाया है। इसलिए जो भी मिल रहा है वो सब गुरु चरणों का है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए छोटी उपलब्धियां नहीं, जिनका लक्ष्य बड़ी उपलब्धि होता है, वे छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, वे अपनी दृष्टि में केवल अपने लक्ष्य को रखते हैं। ऐसे ही दशानन ने, अभी तो एक ही विद्या प्राप्त हुई थी, अभी तो शुरू ही हुई है, अभी तो क्या है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा वो, अभी तो विद्या सिद्ध कर रहा है। 16 अक्षरी विद्या सिद्ध करने के लिए उसने मंत्र का जपना, 16 अक्षरी मंत्र जपना शुरू किया। ओम ह्रीम
अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, ओम ह्रीम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, और भी है भूल गए हम अभी। 16 अक्षरी मंत्र को जपना उसने, जैसे ही सिद्ध किया, प्रारंभ किया और मंत्र में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया, उसको बाहर का कुछ भी ध्यान नहीं, बाहर में क्या हो रहा है, वह तो मंत्र के जपन में, जपने में तल्लीन। उसी समय पे एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? चिंता नहीं करना, अभी 10 बजे हैं। कुछ लोग पीछे घड़ी देखने लग गए, टाइम तो नहीं हो गया, क्योंकि महाराज जब बोलते हैं ऐसा कुछ उत्तेजनात में बोलते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। उसी समय पे क्या घट गया कि एक जम्बूद्वीप का अनावृत नाम का यक्ष, जो संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी था, अनावृत नाम का यक्ष जो संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी था, वह अपनी बहुत सारी देवियों के साथ वन में अटखेलियां करते घूम रहा था। अब व्यंतरों का तो ये काम ही होता है, यक्ष राक्षस भूत पिशाच सब व्यंतर देव हैं, तो व्यंतरों को तो काम ही होता है। कहीं कभी किसी सरोवर के किनारे मिलेंगे, कभी किसी बट वृक्ष के नीचे मिलेंगे, यहां भी हो सकते हैं, हो सकता है। आपके पार्श्वनाथ भगवान बहुत चमत्कारी हैं, हो सकता है यहां भी। तो वे सभी देव अटखेलियां करते हुए, वे सभी देव और वह देव अपनी बहुत सारी देवियों के साथ अटखेलियां करते हुए और बहुत सारी देवियों के साथ मौज मस्ती करते हुए, वह अनावृत नाम का देव, भैया धीरे से नीचे ले लो, और अपने आनंद को प्राप्त था। व्यंतर आ गया, अब यक्ष है और पूरे जम्बूद्वीप का है तो अकेला थोड़ी चलता है, यक्ष है और वो भी जम्बूद्वीप जिसका पूरा पूरा जम्बूद्वीप जिसके हाथ में, तो अकेला थोड़ी चलता है, साथ में बहुत सारों को लेकर चलता है, उसकी भी अपनी टुकड़ी होती सेना की, सब उनमें से एक दो होंगे। चल इस प्रकार से भैया सभी का ध्यान वहीं जा रहा है, इसलिए वो भैया को नीचे ले लो। इस प्रकार से वह देव, अब देखो जैसे ही मूवी क्लाइमैक्स पे पहुंची थी आप लोग हलचल करने लग गए। ये तो सब संसार में जीवन भर होता रहा है, चलता रहा, ये सब होता रहता है, ठीक है, हैं लोग व्यवस्था जमाने के लिए, वो संभाल लेंगे, आप लोग तो आनंद लो। हाँ तुरंत घटना घट गई। अब उस जो घटना घट गई छोटी, मैंने बोला था ना आप समझते नहीं हो, नहीं नहीं आप समझे नहीं, बड़ी उपलब्धि के लिए छोटे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये छोटी उपलब्धि थी, इस पर ध्यान नहीं दो, बड़ी उपलब्धि क्या होने वाली उस पर ध्यान दो। अभी वह दशानन क्या क्या प्राप्त करने वाला है उसको देखो। तो जैसे ही वह वन में अटखेलिया करते हुए कभी झरने के नीचे दिखाई देता था अपनी सभी देवियों के साथ, तो कभी किसी वृक्ष पर अटखेलियां करते दिखाई देता था, तो कभी पुष्प लताओं से, पुष्प लताओं के साथ गीत संगीत करते हुए देता था, दिखाई देता था, तो कभी अपनी देवियों को ताड़ित करते हुए, उनको उनके साथ मस्खरी करते हुए दिखाई देता था। इस प्रकार से वह उस वन में अटखेलियां करते हुए वहां पहुंच गया जहां पर ये तीनों भाई मंत्र सिद्धि में रत थे। देवियों ने जैसे ही सुकुमाल और यौवन से, पूर्ण यौवन से युक्त और रूप लावण्य से अभिभूत ऐसे तीनों भाइयों को देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन से देव हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और इस निर्जन मन में इन्हें साधना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, देवों के पास कौन सी शक्तियां कम होती हैं जो इन्हें यहाँ साधना करने की पड़ गई। इसलिए उन्होंने दशानन के समक्ष जाकर कहा, हे देव तुम बहुत सुंदर हो, सुकुमार हो और बहुत ही रूप लावण्य से युक्त हो, तुम्हारी भुजाओं को देख करके इस बात का अंदाजा होता है कि तुम बहुत वीर हो, तुम्हारे बक्षस्थल को देख करके इस बात का हमें भान होता है कि आप
पौरुष से युक्त हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आपका शीश देखने से इस बात का ज्ञान होता है कि बड़े बड़े योद्धाओं को यह शीश भ्रुकुटी हिलाने मात्र से मर्दन करने वाला है। ऐसी उनकी बहुत सारी दशानन की तारीफ करते हुए अच्छे अच्छे शब्दों के, समय कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है इसलिए अब उनकी संज्ञा अपन कम करते चलते हैं थोड़ा सा। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर बातों से और उन देवियों ने उस दशानन को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन दशानन ने अपनी आँखें खोल कर, अब तुम लोग कैसे हो बताओ, इतनी सुंदर सुंदर देवियाँ आ गई, इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हैं, तब भी वो दशानन नहीं देख रहा था, एक आदमी आ गया तुम उसको देखने लग गए, तुम्हें कैसे विद्या की सिद्धि होगी, नहीं होने वाली। एकाग्रता चाहिए पड़ती विद्या सिद्धि के लिए, एकाग्रता चाहिए पड़ती है, स्थिर होना पड़ता है विद्या सिद्धि के लिए। वह रावण अचल मेरुवत वह अकंपित हुए यूं ही बैठा रहा, तब ईर्ष्यावश कुछ देवियों ने उसके ऊपर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। अब स्त्रियां हैं, नई बात मानते तो गुस्सा तो हो ही जाती हैं, आप लोग नहीं होता ऐसा कि देवी ने कुछ कहा हो, आंसू देवी कुछ कहे और तुम मान लो नहीं करो, उस दिन रोटी तो मिलती है लेकिन थोड़ी मोटी मिलती है, ताकि समझ में जाए कि देवी गुस्सा है, सब्जी तो मिलती है लेकिन थोड़ी मिर्ची ज़्यादा मिलती है, ताकि पता पड़ जाए देवी रुष्ट हो गई है। ऐसे ही अब स्वर्ग की अप्सराएं थी भैया, नहीं स्वर्ग की नहीं थी, यक्ष की अप्सराएं थी, व्यंतर थी, इसलिए स्वर्ग की नहीं थी, व्यंतर ही थी, लेकिन फिर भी देवियां तो थी, तो देवियां होने से मान कषाय तो होती है, तो इसलिए मान कषाय में आकर के उन देवियों ने कि हम इतने सुंदर शब्दों से इसको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं तब भी ये हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो कुछ देवियों ने अपने कोमल हाथों से मुट्ठी का प्रहार उसके वक्ष स्थल पर किया, कुछ देवांगनाओं ने अपने कान के झुमकों से उसके शीश को प्रताड़ित किया, कुछ ने उसकी भुजाओं को पकड़ कर खींचने का प्रयास किया, पर तब भी वह दशानन अपनी विद्या सिद्धि से अचल रहा, अकंप रहा। ऐसा देख करके और जो अनावृत था यक्ष वो अत्यंत कुपित हो गया, ओ इतना अभिमान, मुझसे भी बड़ा तू है क्या, सारे जम्बूद्वीप का स्वामी मैं, मेरा प्रतिद्वंदी कोई इस जगत में कोई नहीं, इस पूरे जम्बूद्वीप में कोई नहीं है, और ये छोटा सा एक अदना सा बालक मेरी देवियों की अवज्ञा कर रहा है, बहुत कुपित हुआ, और बहुत कुपित होकर उसने अपने सारे अनुचरों को आदेश दिया कि इसका मान भंग करो, इसकी सारी साधना को भंग कर दो। ऐसा सुनते ही अब जब मालिक बैठा हो तो घुल्ले तो उचक नहीं लगते हैं, मालिक का हाथ रखा जाए, आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता ज़्यादा नहीं बोलते, बड़े बड़े नेता ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं, लेकिन उनके चेले चपाटे जो होते हैं ना उनके बोलते छर्रे, अपनी भाषा में देसी भाषा में बोलते हैं छर्रे, छर्रे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा उछल कूद करते हैं। ऐसे ही वह यक्ष तो जैसे ही कुपित हुआ और जैसे ही उसका आदित हुआ छर्रों ने उछलना शुरू कर दिया, कुछ ने प्रचंड वायु का वेग बनाया अपने आप को और प्रचंड वायु का बहना शुरू कर दिया, ऐसी वायु चली, ऐसा तूफान चला कि वृक्ष निकल निकल कर गिरने लग गए, सब बैक्रियक था, ये विक्रिया से हो रहा था, ये सब रिद्धि से, उनके जो देवों के पास रिद्धियां होती ना उन रिद्धि से चल रहा था पूरा काम, कि वृक्ष उखड़ उखड़ के गिरने लग गए, तो किसी देव ने प्रचंड अग्नि का प्रज्वलित कर दी और उससे पूरा वन चढ़ 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 करके पूरा वन जलने लग गया, तो कोई यक्ष इतना कुपित हुआ उसने बारिश बरसाना शुरू कर दी और ऐसी मूसलाधार पानी कि वे दशानन का पूरा इतना गला तक डूब गया, शरीर पूरा डूब गया इतनी बारिश की, तब भी कंपित नहीं हुआ, तो किसी यक्ष ने किसी देव ने आकर के पत्थरों की वर्षा की, कोई तो इतना विकराल भयंकर अजगर बन करके।